Yes, good morning. This is NJ here. Let's view English phrases used in speaking. Guys and girls, assalamu alaikum. आइए अंग्रेजी बोलचाल में इस्तेमाल होने वाले जुमलों को देखते हैं और उनसे भरपूर बोलने की प्रॉपर एक्सेंट के साथ प्रैक्टिस करते हैं. Guys and girls, let's have a look on the whiteboard here. First one is she can skip the rope. She can skip the rope. She can skip the rope. वो रस्सी कूद सकती है. She can skip the rope. वो रस्सी फलांग सकती है. वो रस्सी कूद सकती है. Can यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है. Can जो है ये मॉडल वर्ब्स कहलाता है, हेल्पिंग वर्ब्स कहलाता है और यहाँ पे ये एबिलिटी काबिलियत जाहिर करने के लिए इट शोज़ एबिलिटी काबिलियत ज़ाहिर करने के लिए कैन का इस्तेमाल किया गया है कि उसमें इतनी एबिलिटी है. शी कैन स्किप द रोप. वो रस्सी कूद सकती है. कैन जो है एक मॉडल वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है और ये जुमलों को मुकम्मल करने के लिए, बामानी जुमलों को मुकम्मल करने के लिए दूसरे वर्ब्स के साथ मिल के इमदाद हेल्प आउट करता है जुमलों को बनाने में. She can skip the rope. वो रस्सी कूद सकती है. She can skip the rope. वो रस्सी कूद सकती है. Can is a modal verb and is used as a modal verb in this phrase and it shows the ability of the subject which is she. She can skip the rope and rope is an object. वो रस्सी कूद सकती है. आइए अगला जुमला देखते हैं. RF can read the book. RF can read the book. RF can read the book. RF किताब पढ़ सकता है. RF can read the book. RF किताब पढ़ सकता है. This sentence also shows the ability. RF के बारे में बात हुई है कि RF किताब पढ़ सकता है. It means RF has the ability to read out the book. RF किताब पढ़ सकता है. RF can read the book. आरिफ किताब पढ़ सकता है. इसमें भी काबिलियत एबिलिटी शो की गई है. आइए अगला फ्रेज देखते हैं. नेक्स्ट वन इज यू कुड कट डाउन द कॉस्ट. 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 तुम खर्च में कमी ला सके. यू कुड कट डाउन द कॉस्ट. कुड जो है कैन की सेकेंड फॉर्म है और ये भी यहाँ पे एबिलिटी शो कर रहा है कि यू कुड कट डाउन. कट डाउन फ्रेजल वर्ब है, कमी लाना, किसी चीज़ की मिकदार में कमी लाना, कम खर्च होना, खर्च को कंट्रोल करना. यू कुड कट डाउन द कॉस्ट. तुम खर्च में कमी ला सके. नेक्स्ट इज मे आई गेट इन सर. मे आई गेट इन सर. जनाब क्या मैं अंदर आ सकता हूँ. मे आई गेट इन सर. मे आई गेट इन सर. जनाब क्या मैं अंदर आ सकता हूँ. मे आई गेट इन सर. जनाब क्या मैं अंदर आ सकता हूँ. ये क्वेरी है, परमिशन है. मे इज आल्सो अ मॉडल वर्ब एंड इज यूज्ड एज अ परमिशन. मे को इम्कान पॉसिबिलिटीज के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है और मे इज आल्सो यूज्ड फॉर आस्किंग परमिशन. इजाज़त लेने के लिए मे का इस्तेमाल किया जाता है. तो ये एक क्वेरी है. मे आई कम इन सर. जनाब क्या मैं अंदर आ सकता हूँ. मे आई कम इन सर. जनाब क्या मैं अंदर आ सकता हूँ. आइए अगला जुमला देखते हैं. नेक्स्ट वन इज आई कैन इन्फॉर्म हर ऑफ द पार्टी. आई कैन इन्फॉर्म हर ऑफ द पार्टी. मैं उसे दावत की इतला दे सकता हूँ. आई कैन इन्फॉर्म हर ऑफ द पार्टी. मैं उसे दावत की इतला दे सकता हूँ. इन्फॉर्म होता है मुतला करना, इतला देना. यहाँ भी आपने कैन का इस्तेमाल देखा है और कैन इज़ यूज्ड एज एन एबिलिटी. कैन जो है एबिलिटी शो कर रहा है, काबिलियत शो कर रहा है. आई कैन इन्फॉर्म हर. मैं उसे इतला दे सकता हूँ. ऑफ द पार्टी दावत की. मैं उसे दावत की इतला दे सकता हूँ. आई कैन इन्फॉर्म हर ऑफ द पार्टी. आइए अगला जुमला देखते हैं. नेक्स्ट वन इज काजी कुड नॉट डिसाइड द केस. काजी कुडंट डिसाइड द केस. काजी कुडंट डिसाइड द केस.
हाजी कुडंट डिसाइड द केस, हाजी मुकदमे का फैसला ना कर सका। ये एक नेगेटिव फ्रेज है, नेगेटिव जुमला है और इसमें कुड का इस्तेमाल किया गया है और इसमें भी एबिलिटी जाहिर की गई है। काजी कुडंट डिसाइड द केस, काजी कुड नॉट डिसाइड द केस, काजी मुकदमे का फैसला ना कर सका। आइए अगला फ्रेज देखते हैं। ही कैन स्पीक फ्लुएंटली, ही कैन स्पीक फ्लुएंटली, ही कैन स्पीक फ्लुएंटली, वो रवानी से बोल सकता है। ही कैन स्पीक फ्लुएंटली, ही कैन स्पीक फ्लुएंटली, वो रवानी से बोल सकता है, वो अच्छे अंदाज से और तसलसल से बोल सकता है। कैन का इस्तेमाल हुआ है, कैन इज ऑल्सो शोइंग एबिलिटी इन दिस फ्रेज, इस जुमले में भी कैन एबिलिटी जाहिर कर रहा है। ही कैन स्पीक फ्लुएंटली, वो रवानी से बोल सकता है। गाइस आपने कैन, कुड और मे का इस्तेमाल देखा, ये तीनों मॉडल वर्ब्स कहलाते हैं। मॉडल वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो दूसरे वर्ब्स को फिक्रों के मुकम्मल करने में हेल्प आउट करते हैं और इनका इस्तेमाल अंग्रेज़ी ज़बान और अंग्रेज़ी बोलचाल में बहुत ज़्यादा होता है। आइए लेट्स हैव अ से वंस अगेन, आइए एक बार इन्हें फिर से दोहराते हैं। फर्स्ट वन इज शी कैन स्पाइक द रोप, शी कैन स्किप द रोप, शी कैन स्किप द रोप, वो रस्सी कूद सकती है। शी कैन स्किप द रोप, वो रस्सी कूद सकती है। नेक्स्ट इज आरफ कैन रीड द बुक, आरफ कैन रीड द बुक, आरफ किताब पढ़ सकता है। नेक्स्ट इज यू कुड कट डाउन द कॉस्ट, यू कुड कट डाउन द कॉस्ट, तुम खर्च में कमी ला सकते थे। नेक्स्ट इज मे आई गेट इन सर, मे आई गेट इन सर, मे आई गेट इन सर, जनाब क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। गेटिंग के मानी है अंदर आना, अंदर दाखिल होना किसी इमारत के, किसी रूम के, किसी ऑफिस के। मे आई गेट इन सर, जनाब क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। नेक्स्ट इज आई कैन इन्फॉर्म हर ऑफ द पार्टी, आई कैन इन्फॉर्म हर ऑफ द पार्टी, आई कैन इन्फॉर्म हर ऑफ द पार्टी, मैं उसे दावत की इतला दे सकता हूँ। नेक्स्ट इज काजी कुड नॉट डिसाइड द केस, काजी कुड नॉट डिसाइड द केस, काजी मुकदमे का फैसला ना कर सका। एंड लास्ट वन इज ही कैन स्पीक फ्लुएंटली, ही कैन स्पीक फ्लुएंटली, वो रवानी से बोल सकता है। यू गाइज यू हैव टू मेक अ गुड प्रैक्टिस एंड आई होप यू वुड बी एबल टू स्पीक अ गुड इंग्लिश। See you again. Goodbye.